नाज़रीन, मैं हूं दीपक बाल और आप देख रहे हैं ईटिंग एंड आउटिंग। ईटिंग एंड आउटिंग के नए एपिसोड में मैं आ गया हूं धर्मपुरा में, और धर्मपुरा में मेरा फूड पॉइंट है हैदरी के बोंग पाए। ये बड़े फेमस हैं और ये काफ़ी पुरानी दुकान है, ये भी ये 40 साल या इससे ऊपर होगी। ये मुझे कुछ आइडिया नहीं, इनसे बात करेंगे, इनके ऑनर से, शहबाज साहब इनके ऑनर हैं, इनकी रेसिपी पूछेंगे और हैदर बोंग पाए जो है इसकी खासियत क्या है। ठीक है, मेरे साथ रहिए। ये ऊपर वाली मंजिल पे है, अगर धर्मपुरा आप आए ना तो ये प्लाज़ा है। प्लाज़े अगर आप नहर की वाली साइड से आएँ तो लेफ्ट साइड पे आता है और ऊपर वाली मंजिल पे आए मैं आपको। दूसरा फ्लोर है और दूसरे फ्लोर पे आप जाएँ तो ये सामने शॉप है। ये मेरे ख्याल शहबाज भाई होंगे, इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई, क्या हाल है? ठीक है, दूसरी मंजिल पे आ ही गया मैं। नाज़रीन, ये दूसरी मंजिल पे है, जिस तरह मैंने आपको रास्ता बताया, अगर नहर से आएँ तो लेफ्ट साइड पे प्लाजा है, उसके ऊपर आइए। नाज़रीन, मैं आ गया हूँ हैदरी बोंग पाए और मेरे साथ हैं इनके ऑनर शहबाज भाई। इनसे पूछते हैं इनकी रेसिपी की खासियत और इतने फेमस जो हैं बोंग पाए, इसकी क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम शहबाज भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आप शुक्र अल्लाह पाक का। क्या खासियत है जो हैदरी बोंग पाए की? सर अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि हम पिछले 50 साल से काम कर रहे हैं और लोगों के लिए क्वालिटी फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए, और इसकी आला क्वालिटी होने की सबसे बड़ी जो निशानी ये है कि हम इसको बगैर मिर्च मसाले और घी के तैयार करते हैं। अच्छा जी, और तकरीबन 50 साल से ये अल्लाह पाक ने सिलसिला जारी किया हुआ। मैंने वही क्वेश्चन आपसे पूछा था, कितने साल से? 50 साल हो गए तकरीबन। तो जो आपका तरीकाकार जो है वो ज़ाहिर है हर बंदे का अपना होता है, तो आप कहते हैं कि आपका तरीकाकार जो है मिर्च मसाले के बगैर आप बनाते हैं? जो स्पाइसी मसाले जिनको लोग अवॉइड करते हैं बाजारी खानों का, वो उस तरह का हम नहीं इस्तेमाल करते। आप जब भी मेरे पास खाना खाने आएंगे आप यही फील करेंगे कि मैं घर बैठे हुए अपने भाइयों को नाश्ता कर रहा हूँ या खाना खा रहा हूँ। सेम इसकी रेसिपी जो है वो घर की तरह ही है। जी शिवाजी, इसकी कितनी ड्यूरेशन होती है इसके तैयार होने में? इसमें कोई 10 से 12 घंटे लगते हैं। 10 से 12 घंटे। और बोंग जो है इसकी कौन सा ऐसा गोश्त होता है, ऐसी चीज़ है जो आप बताना चाहेंगे हमारे देखने वाले? बोंग आप जब भी परचेज़ करें खुद, चाहे आप घर में बना रहे हो, तो उसको कहेंगे यार अच्छी जो बोंग है ना भारी, जिसका वेट कम से कम कुछ 4.5 किलो, वो बोंग लें। उसमें टेस्ट होता है, वो आपके खाने में जो है ना टेस्ट जो है ना वो बेहतर हो जाएगा। चलो, ये 10 से 12 घंटे लगते हैं। जी चले देखते ना अभी उनका तरीका कर क्या है और आपकी चीज़ें में दिखाते हैं। बहुत शुक्रिया शुक्रिया रखा होता ना, कुछ लोग नहीं खाते हैं। हाँ नहीं, कुछ मना होते हैं किसी को बड़े। सही, नाज़रीन ये इनका फैमिली हॉल है, लेकिन जो कोरोना की वजह से ये छत पे बिठा रहे हैं, ये खाली है सर, देखिए आप। और ये इनका सिस्टम, नाज़रीन इन्होंने लाइव तंदूर लगाया हुआ है अपना ही, और बाज़ार से या कहीं से मंगवाते नहीं हैं, इधर ही जो इनकी शॉप है इधर ही इन्होंने रखा हुआ है। ये नान लग रहे हैं,
लगा दिया नाजीन इन्होंने, ये देखें ज़रा, वाह वेरी गुड। ये हमारे पास अच्छा स्मार्ट होता है, वो दूध होता है, दूध दही अंडे घो जैसे मर्जी कर सकते, वेरी गुड, वो कौन हो जाएगा नहीं मिलेगा। नाज़रीन मैं टेस्ट करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है ये। बहुत शुक्रिया भाई, वाह बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन आप यहाँ आए ट्राई करें, और वायरस की वजह से जो इन्होंने ओपन किया हुआ है ऊपर छत पे, वैसे नीचे इनकी सीटिंग काफ़ी अच्छी है। नाज़रीन आप मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मुझे नेक्स्ट कौन सा एपिसोड मैं करूं आप मुझे बताएं, और जिस तरह आप बताते हैं आपके जो मैसेज मुझे मिलते रहते हैं और मैं उसका जवाब भी देते रहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, आप बेल की जो घंटी है वो बजा दें ताकि जो नया एपिसोड मेरा आए वो आपको बड़े आराम से मिल जाए और आप देख सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफिज़।